जो है अब गाड़ी मोड़ नहीं रही है, देखें आप ये इस पर, ये नहीं जा सकते जी, ये नहीं जा सकती। ये रोड है 4x4 का, लेकिन यहाँ पे लोग अपनी जिद करते हैं और इंतज़ामिया की बात नहीं मानते, तो फिर इस तरह के मसाइल उन्हें नज़र आते हैं, फिर इस तरह प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। फिर मकामी लोग जो है, ये देखें किस तरह जो है वो रस्सा बना के उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। अब इसको जाएंगे और खींचेंगे, एक तरफ दरिया है और एक तरफ ये लोग हैं। बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ये जो है ये अब इसको चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, कोई भी नुकसान हो सकता है, और साथ इसके दरिया बहता जा रहा है। देखेंगे कितनी मुश्किल से जो है ये कैरी डब्बे को लोगों ने खींचा है, ये देखें, ये देखें। ये वो एम्बुलेंस जो पीछे दो गाड़ियों को हादसा हुआ है, तो उसके जख्मियों को लेके हॉस्पिटल जा रही है। बहुत मुश्किल हालात हैं, और 6-2 किलोमीटर जो है दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं, तो उनमें जो ज़ख्मी हैं अब हालात इतने ख़राब हैं कि वो पैदल जो है वो उनको लेके आ रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि जी हम इन्हें मना करते हैं, लेकिन ये पीछे से मना नहीं होते। ये पिकअप जा सकती है जी, ये जा सकती है जी, 4x4 है ना जी, ये वैन जो है ये 4x4 है, ये हाँ ये नहीं वो आ गई है, ये पीछे इस पे ये भी 4x4 है। अच्छा, कब तक खुल देंगे अंदाजन? ये कलाम तक खुल गया, आर्मी वाला ने बहाल किया ना। अच्छा, तो इसमें ये चढ़ाई थोड़ा मुश्किल है, ये आपने खुद देख दिया, गाड़ी पस जाती है देखो। हाँ, और कलाम तक क्लियर है। ये है जी गांव द्रोली जी, और ये जगह जो हम खड़े हैं इसको लांबट बोलते हैं, ये जो जिस जगह हम मौजूद हैं ये है लांबट बारें, और यहाँ से जो गाड़ियाँ टर्न करके कलाम रोड की तरफ जा रही है, जो कि आर्मी उसकी बहाली के लिए लगी हुई है। मैंने कल कलाम विज़िट किया है, क्लियर है कलाम, कलाम क्लियर है, लेकिन अभी रास्ता ख़राब है, बहुत सा कई जगहों पर रास्ता ख़राब है, गाड़ी को रास्ता देने के लिए आधा आधा घंटा लग जाता है। तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो निज़ाम है वो अभी तक फेल है, और जो मुकामी होटल वाले हैं वो कहते हैं जी कम अज़ कम जो है 1 महीना लगेगा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो दिन रात जो है वो मेहनत में कर रही है कि इसको जल्द अज जल्द इन रास्तों को, वहाँ की सहूलियात को बहाल किया जाए। और वहाँ पे गांव के गांव तबाह हुए हैं इस फ्लड से, इसके जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा है, लोग इस वक्त परेशान हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, उनको फूड की प्रॉब्लम है, उन्हें फाइनेंशली पैसों की कमी का सामना, बीमारियाँ हैं। ये देखें कि इस वक्त कितना खूबसूरत मौसम है, बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा मौसम है, ये कितना ख़तरनाक मोड़ है कलाम की तरफ जाने के लिए, क्योंकि जो रोड है वो बह चुका है इस टाइम, और यहाँ पे मौजूद जो पुलिस अधिकार हैं ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से काफ़ी दिनों से रास्ता बंद था, तो अभी जो जो ये रश नज़र आ रहा है वो रश इसलिए नज़र आ रहा है। ये ये देखे ना, ये गाड़ी अब टायर स्टक हो जाता है इसके बाद, ये है भाई जान। हाँ, ये जो है अब गाड़ी मोड़ नहीं रही है, देखें आप ये इस पर, ये नहीं जा सकते जी, ये नहीं जा सकती, लेकिन अब वो ले आए हैं और लोग कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो है बात ये है कि मोटर कार नहीं जा सकती है, ठीक है जी, 4x4 गाड़ी जा सकती है।
जी हम हर बंदे को बोलते हैं, पुलिस वाले कहते हैं जी हम हर बंदे को कहते हैं कि अब ये देखें, तो मसला ये है कि वो कहते हैं जी हम मना करते हैं लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। अब ये गाड़ी आप देखें, असल में वो कह रहे कि टूरिस्ट तो अभी कोई भी नहीं आ रहा, जो मकामी लोग हैं जो बंद हुई हुई थी गाड़ियाँ, वो लोग सब्जियाँ वगैरह लेके शहर में, और जिनके घर राशन वगैरह ख़त्म हुआ था कुछ लोगों का, तो वो जो है वो लेने के लिए जो उसको है वो आ रहे हैं। मैंने जो कलाम रोड का विज़िट किया है, जो सैलाब की वजह से जो बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई है उसकी वजह से गाँव जो हैं, गाँव के गाँव वो पूरे तबाह हुए हैं। सड़कों का जो कलाम रोड है वो बुरी तरह हाल है, कोई उस पर अभी सूरत हाल वाजिया नहीं है कि कब तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। ये देखें जी कितना ख़तरनाक रास्ता है, और लोग जो है अब ऑब्वियसली इन्होंने अपने घरों को जाना है कुछ सामान वगैरह लेके। ये कोई गाड़ी जो है ये जा रही है राशन वगैरह लेके। लोग जो है वो अपने आप तौर पर जो है